की वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। आज का पहला सवाल है, कौन से प्राणी दूध और अंडा दोनों देता है? ऑप्शंस है ए कोयल, बी कंगारू, सी प्लेटीटिपस, डी जिराफ। आपका सही जवाब है सी प्लेटीपस। आपका दूसरा सवाल, कौन सा जानवर अपने जीभ से अपना कान साफ करता है? ऑप्शंस है ए ऊंट, बी हाथी, सी कंगारू, डी जिराफ। आपका सही जवाब है डी जिराफ। आपका तीसरा सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? ऑप्शंस है ए सिक्किम राज्य, बी मेघालय राज्य, सी अरुणाचल प्रदेश, डी बिहार राज्य। आपका सही जवाब है सी अरुणाचल प्रदेश। आपका चौथा सवाल, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है ए जिराफ को, बी गाय को, सी घोड़ा को, डी बकरी को। आपका सही जवाब है डी बकरी को। आपका पांचवा सवाल है, किस पेड़ की पत्ती से बीड़ी बनाई जाती है? ऑप्शंस है ए तेंदू की पत्ती से, बी सागवान की पत्ती से, सी अमरूद की पत्ती से, डी जामुन की पत्ती से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए तेंदू की पत्ती से। और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। आपका छठा सवाल है, किस देश के लोग इंसान का खून पीते हैं? ऑप्शंस है ए रूस देश, बी वेस्ट इंडीज देश, सी श्रीलंका देश, डी इथियोपिया देश। आपका सही जवाब है डी इथियोपिया देश। आपका सातवां सवाल है, मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस है ए जेम्स वाट, बी कार्ल वेंज, सी रुडोल्फ डीजल, डी डेवार। आपका सही जवाब है बी कार्ल वेंज। आपका आठवां सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? ऑप्शंस है ए रावी नदी, बी ताप्ती नदी, सी चिनाब नदी, डी नर्मदा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी नर्मदा नदी। आपका अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? ऑप्शंस है ए 1935 ईस्वी में, बी 1945 ईस्वी में, सी 1955 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में। आपका सही जवाब है सी 1955 ईस्वी में। आपका दसवां सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? और कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है। ऑप्शंस है ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी बाजरा। आपका सही जवाब है सी जौ। और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है ए चरक को, बी चाणक्य को, सी अरस्तु को, डी प्लेटो को। आपका सही जवाब है बी चाणक्य को। आपका बारहवां सवाल है, राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने का पहला शासक कौन था? ऑप्शंस है ए इल्तुतमिश, बी रजिय सुल्तान, सी बहराम शाह, डी बलवन। आपका सही जवाब है डी बलवन। आपका तेरहवां प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ऑप्शंस है ए जाम्बेजी नदी, बी नील नदी, सी अमेजन नदी, डी बोल्गा नदी। आपका सही जवाब है ए जाम्बेजी नदी। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शंस है ए अनुच्छेद 111, बी अनुच्छेद 118, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 213। आपका सही जवाब है सी अनुच्छेद 123। आपका पंद्रहवां सवाल है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, डी शूटिंग। इस प्रश्न का सही जवाब
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है और रोजाना ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर कीजिएगा।